यही मारी है मेरे कान पे, तुम ही ना मारी हो कान पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अब कॉलेज जा रहे रेडी वीडियो के साथ में विशाल है। गुड मॉर्निंग दोस्त, और कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया, सब बढ़िया, टकाटक टकाटक। और गाइस देख लो देहरादून में कितना ठंडा आ गया, एकदम मतलब धूप तक नहीं निकला है। तू ब्लेजर पहन ले यार, ठंडा लग जाएगा। अरे हमको ब्लेजर अब बोझ लगता है, यही चीज़। तो बहुत ज़्यादा ठंडा आ गया है, और बस इंतज़ार एक चीज़ का है आपके लिए कि स्नोफॉल का। जैसे ही स्नोफॉल होगा हम लोग चलेंगे डोनाल्टी मसूरी का ट्रिप प्लान करेंगे। और 31 दिसंबर को रात मेरा मसूरी में ही बीतेगा, ये जाए नहीं जाए इसको वीडियो बनाकर हम भेजा। तो गाइज जैसे ही स्नोफॉल होगा हम लोग प्लान करेंगे मसूरी का और डोनाल्टी का, और एक सीरीज लाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें और अच्छे से दिखाएं जो भी हो। और मुझे तो बहुत पसंद है स्नो में जाना ऐसे भी। तो ठीक है, अभी कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से आने के बाद मिलेंगे। कॉलेज का शांति देखो, कोई है ही नहीं। दो चार दिन से कॉलेज चल रहा है, एकदम पूरा शांत माहौल, इतना शांत कभी नहीं रहता। नहीं रहता है, बहुत शांत। देख लो गाइस, कोई नहीं दिखेगा आपको, कोई भी नहीं, मस्त। ठीक है भाई, चल तू अपना डिपार्टमेंट, मैं अपना डिपार्टमेंट। गाइस अब फील्ड जा रहे हैं, देख लो। अब मेरे कान में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, यही मारी है मेरे कान पे, तुम ही ना मारी हो कान पे। गाइज हम लोग यहाँ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं सारी चीज़ का, बता कुछ तू भी। क्या बताऊँ? आयु सर आप बताइए सर, बथुआ का वर्ड निकलने में बताइएगा। किसी को समझ ही नहीं आएगा तो बता, बथुआ का वर्ड निकलने में बता दो। आयु सर को सब समझ जाएंगे, एग्रीकल्चर वाले भी होंगे कोई ना कोई देखने वाला। नहीं है यार, नहीं याद, नहीं याद है, चल कोई ना। चिना पोडियम एल्बम अभी अभी गूगल किए थे। देखो गाइज सब लोग उधर सर के पीछे पीछे जा रहे हैं, सर आइडेंटिफाई करवा रहे हैं सारे चीज़ को और जो भी चीज़ें सारा कुछ बता रहे हैं। और शिखा को बहुत जल्दी है जानने का, इसलिए बाकी बाकी जा रही है आगे आगे। इसमें भी कुछ कुछ लगाया गया है इधर, फील्ड प्रिपेयर करके देखो। अभी चीज़ में टैग लगाया गया है, वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा टैग है, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़ है नहीं है। मैं देख के बताता हूँ क्या चीज़ होगा। ये वैरायटी का नाम लिखा हुआ है HD2967, कोई वैरायटी होगा कुछ का, उसी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो कि कौन सा कहाँ पे था, तो इसीलिए लगा दिया जाता है सारा कुछ टैग्स ये सब। और इधर हर्बल गार्डन है जहाँ बहुत सारी चीज़ है। इसका पेड़ है ये बता दो, देखो पहचान है इसको, देखने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो बताते घुमा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये है बहेरा, जिसको कहते पेमिलिया बेलीसी का, तो मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस सहजन ही है मुनगा ड्रमस्टिक। नहीं नहीं ये नहीं है, ये कुछ और है। सच में कंफ्यूज कर दिया है आशीष, क्यों पता नहीं था। शिखा बताएगी ये क्या चीज़ का पेड़ है। वो है सहजन का, देखो वो भी नहीं सहजन का है, ये भी नहीं सहजन का, कुछ और का है, नाम बट नहीं लिखा हुआ है यहाँ, उठा के देख यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो पियर का है, पता नहीं पेड़ कहाँ का। गाइस अब छुट्टी हो गया और हम लोग कैफेटेरिया जा रहे हैं मैगी खाने के लिए। और पार्टी देगी ये किस खुशी में, भागे आपे पार्टी देगी ये लड़की किस खुशी में पार्टी। और साथ में आशीष भी जा रहा है और आयुष है और अमन है, सब लोग जा रहे हैं मैगी खाने के लिए, पैसा ये पे करेगी। देख लो अब हमारी मैगी पॉरी स्टार्ट हो गया, सब भूखर को देख लो, इसको तो और गौर से देखो। नहीं मैं नहीं खाती, ये खाता है ना ज्यादा, आयुष खाता है सबसे पहले ही देख लेता है, देखता है किसमें ज्यादा है। ये तो तुम की हो। नहीं ऐसा मैं नहीं करती, ये बाबा दे देते हैं। मैं ना बहुत ज्यादा खा लिया गाइस, अब हम लोग मैगी वैगी खा लिए और लास्ट में इसका डिमांड था कॉफी का, मेरा आशीष का खुद को जू दिया कह रहा है आशीष को, मेरा ख्वाहिश था उसका डिमांड था, तो ख्वाहिश ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम लोग कॉफी भी पिए और अब ये लोग घर जा रहा है, हम भी गेट के पास छोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखो बट हम हॉस्टल जाएंगे वापस मजे से, चल बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं जाके गेट तक ले जाओ, गेट तक गेट तक घर जाके फोन कर देना अच्छे से, ठीक है पहुंच जाना, ठीक है कान वान बांध के जाना घर। तो ठीक है गाइस हम ये लोग को छोड़ देते हैं और हम जाते हैं फिर हॉस्टल। गाइस अब हम हॉस्टल आ गए और चेंज कर लिए, और पता है आज स्टैट्स का मार्क्स बताया गया है, मार्क्स तो आया अच्छा खासा, जो मैं जितना
सोच रहा था उतना तो मार्क्स आया, लेकिन ये नहीं पता था कि कितने पे पासिंग मार्क्स है, ये मुझे पता ही नहीं था। इसमें 60% पासिंग मार्क्स है, जो कि नॉर्मली हर सब्जेक्ट हर स्कूल में 33% होता है ना, बट हमारे स्टैट्स में 60% था। हमने लाया 30 में 14 मार्क्स लाया। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो पास हो गया। सर बहुत ज़्यादा खुश थे सच में कि पास हो गए, क्योंकि 10 या 11 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स होता था पिछले बार, मुझे जैसा याद है। लेकिन इस बार 17 पे जब पता चला मैं 14 मार्क्स ला के भी नहीं पास किया, सच में गाइस बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ले अब क्या होगा, तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इस टाइम में भी पास कर जाए। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैथ बैकग्राउंड से है नहीं, मतलब 10th तक तो मैथ पढ़े, उसके बाद मैथ से कोई नाता वाता नहीं था, तो मज़ा नहीं आता है मैथ बनाने में, और इतना मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बट ट्राई करेंगे कि अच्छा हो। और गाइज कल सिखा का बर्थडे है, तो उसको विश करना है, तो गाइज ख्याल करो, फिर उसके बाद फिर मिलेंगे 12 बजे के बाद। गाइज मैंने बर्थडे विश कर दिया और अब 1 बज गया है, थोड़ा देर जाग गए, रील्स ये सब देखने लगे थे, तो बहुत जोर से अब नींद आ रहा है, तो गाइज सो जाते हैं क्योंकि कल पार्टी भी लेना है। बर्थडे है तो पार्टी तो कल लेना है ही, तो सुबह थोड़ा उठना पड़ेगा, आउटिंग देना पड़ेगा। कल सैटरडे है तो सैटरडे के दिन आउटिंग देंगे और बाहर जाके पारी करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो ठीक है, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।